हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। जो लोग यूट्यूब शॉर्ट डालते हैं उस पर कभी कभी तो थंबनेल पहले भी लगा देते हैं, कभी कभी बाद में लगाने की कोशिश करते हैं तो बाद में लग नहीं पाता, तो वही आपका डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपको लाइव दिखाकर। वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। चलो दोस्तों, अभी चलते हैं हम अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, यहाँ से हम अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा आ गया मेन पेज। यहाँ पे हम शॉर्ट्स अपने शॉर्ट वीडियो का टाइटल डाल सकते हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं थंबनेल। अनलिस्टेड, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में आपको पता है, अनलिस्टेड करके वीडियो अपलोड करनी चाहिए हमेशा। लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेकंड ऑप्शन बड़ों के लिए है और ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के लिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन रखना है अगर आपका कंटेंट बड़ों के लिए है तो। नेक्स्ट ये है वीडियो अलाउ ऑडियो। यहाँ पे आपकी वीडियो के शॉर्ट वीडियो के साथ कोई भी रिमिक्स कर सकता है, वीडियो ऑडियो दोनों लेके भी और ऑडियो लेके भी, पर वो आपकी मर्जी से ही ले पाएगा जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो मैंने दोनों कर रखे हैं, वो आप देख लेना क्या करना है आपको। और मैं अब इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक वो है थंबनेल के बारे में। तो कई लोग बताते हैं आपको, आप सोचते हो कि थंबनेल आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद भी एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप थंबनेल शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद एडिट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते समय ही आपको अच्छा थंबनेल सेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कर दिया है, ठीक है। और देखना, मैं अपलोड करने के बाद दिखाऊंगा आपको, सेम थंबनेल रहेगा। अभी हमने कर दी वीडियो अपलोड। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ। अब हमारी वीडियो की प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ी देर में ही ये पब्लिक हो जाएगी, मेरे मतलब पब्लिक नहीं सॉरी अपलोड हो जाएगी, होने वाली अपलोड। एक मिनट, रिफ्रेश मार लेते हैं। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही ये लो, हमारी अब कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो में। ये हम आ गए अपने YT स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पर हमारी वीडियो है शॉर्ट वीडियो, ये है हमारी शॉर्ट वीडियो, देखो। और आपको इसके इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जो थंबनेल मैंने सेलेक्ट किया था वही अभी चिपका हुआ है इस पर, और इसको हम अब बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप वीडियो अपलोड करने से पहले थंबनेल बदल सकते हो अपलोड करते समय, लेकिन अपलोड करने के बाद आप थंबनेल के अलावा कुछ भी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पूरी वीडियो देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर किया करो, उससे मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। राधे राधे।